Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about computer assisted instructions, e-learning and m-learning. इन सब के बारे में हम करेंगे कि होता क्या है, ठीक है जी, उसके advantages plus उसके disadvantages. So let's first start with the computer assisted instructions. वैसे तो इसके बारे में अगर आपने बहुत ही briefly पढ़ना है तो हमारे पास प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक है एमएड फोर्थ सेम में एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी की थर्ड यूनिट का, ठीक है. पहला ही टॉपिक है प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन. तो उसका उसके तीन टाइप्स होते थे, ठीक है, एक लीनियर है, ब्रांचड है, कंप्यूटर असिस्टेड है. तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो. अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है जी. सो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जब आप बच्चे को कंप्यूटर की यूजेज करके पढ़ाते हो, कोई टॉपिक इजी करके सिखाते हो बट बाय द यूजेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस. जब आप बच्चे को स्टूडेंट्स को टीच करते हो यूजिंग कंप्यूटर बाय विच स्टूडेंट्स कैन लर्न ईजिली, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. हम कंप्यूटर के थ्रू क्यों पढ़ाते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसका मेन पर्पस क्या है? सबसे पहला, टू इन्हांस द स्टूडेंट्स लर्निंग. बच्चा कंप्यूटर यूज़ करके जैसे पढ़ेगा उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, बच्चों को इंटरेस्ट आता है. सिंपल देखो, कॉपी से आप कॉपी पेन पे आप नोट डाउन करवाते रहते हो, बच्चा भी बोर हो जाता है, ठीक है. तो उससे क्या होगा, जब वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेगा, कंप्यूटर में पढ़ेगा उस चीज़ को, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंजॉय करेगा, वो लर्न करेगा. एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ओन लर्निंग, वो अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. बेटर अटेंडेंस, बच्चे जैसे होते हैं ना शौक शौक में आते हैं स्कूल में कि आज तो कंप्यूटर का पीरियड है, आज कंप्यूटर चलाएंगे हम, बहुत मज़ा आता है उनको. तो उससे क्या होगा, उनकी अटेंडेंस भी बढ़ेगी, ये भी एक पर्पस है. देन बेटर कोऑपरेशन एंड कोलेबोरेशन, बच्चा कोऑपरेट करके पढ़ना सीखेगा, कोलेबोरेट करके, एक दूसरे के साथ कोलेबोरेट करके, बातचीत करके, ठीक है, कोई इशू हो गया एक दूसरे के साथ बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करके, मतलब कोऑपरेट करके पढ़ना सीख जाएगा बच्चा, ठीक है. इसके फ़ायदे क्या हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के, जब आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाते हो बच्चे को उसका फ़ायदा क्या है? इंक्रीज स्टूडेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बच्चे को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर के थ्रू. इंक्रीज़ द कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाता है. जैसे आपने भी कोई चीज़ सर्च करनी होती है, आप एक टॉपिक पे सर्च करना है, इतने सारे टॉपिक्स आपके पास खुल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF, इन द फॉर्म ऑफ PPT, विकीपीडिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको मतलब इतना सारा कंटेंट मिल जाता है एक छोटे से टॉपिक का, राइट. इमीडिएट फीडबैक, अगर कहीं पे आप गलत हो तो आपको फटाफट से फीडबैक मिल जाएगा. ग्रेट मोटिवेटर, बच्चा मोटिवेट होता है, बच्चे को पता है कि अब मेरी हेल्प हो जाएगी इजीली. कोई आप बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क भी देते हो, जैसे घर जाके बच्चा क्या करता है, गूगल करता है अपने कंप्यूटर के थ्रू, देखता है इंटरनेट चला के कि मैं ये कर सकता हूँ, इससे अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं वहाँ पे, इससे बच्चा मोटिवेट होता है, राइट. लर्निंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स एबिलिटी, ठीक है, तो जो लर्नर है अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को लर्न कर सकता है, ऐसा नहीं है उसको दूसरे के हिसाब से चलना है, वो बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट खुद की लर्निंग को खुद कंट्रोल कर सकता है, हर एक बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, राइट. अब उसके नुकसान क्या है, फ़ायदे तो हमने देख लिए, नुकसान क्या है? बिजली बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है, कॉस्टली है, कॉस्टली तो है ही है, एक एक कंप्यूटर प्रोवाइड करना हर एक बच्चे को तो कॉस्टली तो होगा ही. रिक्वायर स्किल, प्रॉपर ट्रेंड टीचर चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए भी, ठीक है. हेल्थ हजार्ड्स बहुत होते हैं, देखो कंप्यूटर चलाते रहोगे आपकी आँख खराब हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, आपकी बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप रेगुलरली कंप्यूटर के पास बैठे रहे, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट. बिकम्स एडिक्टेड, कई बार बच्चे एडिक्टेड भी हो जाते हैं कि मुझे तो कंप्यूटर ही चलाना है बस. टीचर स्टूडेंट बॉन्ड इज लॉस्ट, ठीक है जी, वहाँ पे बच्चा कंप्यूटर पे पढ़ता रहता है और वो जो टीचर वाली बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट के साथ वो तो ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल, ये एक डिसएडवांटेज है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम e-लर्निंग. e-लर्निंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. जब आप टीचिंग करवाते हो या स्टूडेंट्स लर्न करते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करके, उसको हम e-लर्निंग बोलते हैं, राइट. इलेक्ट्रॉनिक सपोर्टेड लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ एनी काइंड, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करके लर्न करते हो या आप एज अ टीचर बच्चे को टीच करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप? ई लर्निंग बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, राइट. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या इंटरनेट
इज़ यूज टू सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस. यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हो, चाहे अपने कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा, चाहे अपने टैब्स के थ्रू पढ़ा, लैपटॉप के थ्रू पढ़ा, ठीक है, मतलब कोई भी आप जब कोई डिजिटल चीज़ यूज़ करते हो, राइट. दो तरह की होती है ई लर्निंग, ठीक है, एक होती है सिंक्रोनस, एक होती है असिंक्रोनस. सिंक्रोनस तो होता है जब हम लाइव, मतलब जब हम कोई मैसेज मतलब भेज रहे हैं, ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो तो सामने से आपको फीडबैक मिल रहा है, वो होती है सिंक्रोनस. एक होता है असिंक्रोनस कि आपने मैसेज सेंड कर दिया, अब आपको रिसीव कब होगा यू नेवर नो. जैसे ईमेल है, आपने सेंड कर दी, अब पता नहीं सामने वाला कब वो ईमेल चेक करेगा, वो होता है असिंक्रोनस, जब आप लाइव नहीं होते, ठीक है. सिंक्रोनस में आप हमेशा लाइव होते हो, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ उसके एडवांटेजेस क्या हुए, ईजिली असेसेबल है. आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट हर जगह है, वाईफाईज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो कहीं पे भी बैठ के जहाँ मर्जी, इंटरेस्टिंग है और मोटिवेटिंग है, राइट. फिर उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके लिए तो नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए प्रॉपर आपको कोई भी डिजिटल चीज़ चलाने के लिए. कॉस्टली है और इक्विपमेंट्स ना हो अगर आपके पास, प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी ना हो, कई बार आप ऐसे कोई विलेजेस वगैरह में रहते हो, प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो वहाँ पे लर्निंग क्या थोड़ी मुश्किल हो जाती है, राइट. आई होप दिस वन इज़ ऑल्सो क्लियर. ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब मुझे नहीं लगता इसको इतना डीपली समझाने की ज़रूरत है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ एम लर्निंग. एम लर्निंग होती है मोबाइल लर्निंग, जब आप मोबाइल के थ्रू स्टडी करते हो, जैसे आप अभी मोबाइल चला रहे हो, यूट्यूब खोल रखा है, पढ़ रहे हो इस चीज़ को, वो क्या होती है, मोबाइल लर्निंग होती है, ठीक है जी. इट इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ मोबाइल लर्निंग, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी, मोबाइल लर्निंग. इट मीन्स लर्निंग यूजिंग द पोर्टेबल डिवाइसेस, जैसे आपका फ़ोन हो गया, आईफोन हो गया, कोई भी फ़ोन हो सकता है. अलाउ द स्टूडेंट्स टू लर्न इन डिफरेंट इन्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ बींग रिस्ट्रिक्टेड टू क्लासरूम, मतलब सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, बच्चा फ़ोन तो कहीं पर भी लेके जा सकता है, वहाँ पे जाके पढ़ ले, ठीक है, नानी घर चला जाएगा, वहाँ पे अभी उसके हाथ में फ़ोन होगा, वहाँ पे पढ़ सकता है, ठीक है जी. कहीं पे भी जहाँ भी बच्चा जाए फ़ोन उसके साथ ही होता है. नेक्स्ट कम करेक्टरिस्टिक्स. तो इट इज़ अ फर्स्ट पर्सनल मास मीडिया दैट ब्रिंग्स टू ऑलमोस्ट ऑपोजिट वर्ल्ड्स टुगेदर, ठीक है जी. ये सबसे पहला ऐसा पर्सनल मास मीडिया है एक तरह से, जो दो वर्ल्ड्स को क्या है साथ में लेके आता है एक तरह से, ठीक है. परमानेंटली कैरिड ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू गो, जहाँ पे भी जाते हो, बच्चा कुछ और भूल दे या मतलब भूल सकता है, बट फ़ोन लेके जाना नहीं भूल सकता, ठीक है. ऑलवेज ऑन एंड कनेक्टेड, हमेशा कनेक्टेड रहता है, ऑलवेज इंटरनेट ऑन रहता है. अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, ठीक है. नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. कोलैबोरेशन, आप इजीली कोलैबोरेट करना सीख जाओगे, ठीक है, किसी से बातचीत करनी है, दो मिनट में व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, कोई आपने टीचर से कुछ पूछना है, आपने फ्रेंड से कुछ पूछना है, फटाफट कॉल करके मैसेज करके कहीं पे भी किसी भी जगह पे पूछ सकते हो. असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब जो बच्चे होते हैं डिसेबिलिटीज़ वाले, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है. बच्चे की मोटिवेशन तो इनक्रीज़ होगी होगी, इससे बच्चा इंगेज भी होगा, ठीक है, और बच्चे की जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ वो भी बढ़ेगी, ठीक है. कई बार किसी ने होमवर्क पूछना है, नहीं स्कूल गए, बीमार थे, कोई और रीज़न था, ठीक है, फटाफट से आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड को कॉल करके कि अरे मुझे फटाफट से पीडीएफ बना के काम भेज दे आज का, मैं कॉपी में नोट डाउन कर लूँगा, ऐसे ही होता है, ठीक है. तो मोबाइल लर्निंग इसको बोलते हैं कि जब भी जहाँ भी आपको ज़रूरत है अपना मोबाइल कैरी आउट तो करते ही हो आप, ठीक है, वहाँ पे आप कभी भी किसी भी टाइम क्या है अपना कोई भी लर्निंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम एम लर्निंग. आई होप दिस इज़ क्लियर. एम लर्निंग क्लियर हो गया आपको. इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है, जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करके पढ़ते हो. एक होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तब आप कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हो, राइट. सो आई होप ये तीन टॉपिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी. अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.